Hello students, today's topic is probability distribution or the theoretical frequency distribution. Statistics का सबसे important topic है हमारा probability distribution, जिसपे की हमारी statistic based है. Probability distribution को हम theoretical frequency distribution भी बोलते हैं. तो what is the probability distribution? Distribution which are not obtained by actual observations or experiments, but are deduced mathematically under certain predetermined hypotheses or assumptions, or by following certain probability rules, are called theoretical frequency distribution. Probability distribution actual observation से नहीं लिया जाता है. Actual observation से लिया जाता है हमारा frequency डिस्ट्रीब्यूशन. जो भी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से होता है वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से नहीं लिया जाता है, वो लिया जाता है मैथमेटिकली अंडर सर्टेन प्री डिटरमाइंड हाइपोथेसिस और अजम्पशंस बाय फॉलोइंग सर्टेन प्रोबेबिलिटी रूल्स. आप कोई हाइपोथेसिस अज्यूम करके आप जो भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसी पे हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है. दीज मे बी कॉल्ड द एक्सपेक्टेड और द मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो नेम हो गए. फर्स्ट हो गया थ्योरिटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड हो गया एक्सपेक्टेड और मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Find difference between the frequency distribution and the probability distribution. हमने statistics में कई बार frequency distribution भी पढ़ा होगा, probability distribution भी पढ़ा होगा, but आपको confusion होगा कि इनमें क्या difference है. Let's see. A frequency distribution is a listing of the observed frequencies of all the outcomes of an experiment that actually occurred. When the experiment was done, जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें एक्चुअल अक्रेंस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है उसे ही हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. वेयर एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिस्टिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स डेट कुड रिजल्ट इफ द एक्सपेरिमेंट वर डन. जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या होता है, आप अज्यूम करते हैं कि ऐसा होना था, ऐसी एक्सपेक्टेड थी, तो वो सारी फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग एंड द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम आगे लेके चलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसके भी दो पार्ट्स हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के. फर्स्ट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. और कंटिन्यूस का एक ही पार्ट है, डैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हमने देखा टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट हमने पढ़ा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पार्ट है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे होते हैं, बट जो हमारी स्टैटिस्टिक्स मेनली बेस्ड है, ये जो तीन डिस्ट्रीब्यूशन है इन्हीं पर बेस्ड है. तो आज हम इन्हीं की डिटेल्ड स्टडी करेंगे. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने समझ लिया, बट अब इसके आगे हमें समझना है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो लेट्स
See what is discrete probability distribution. Discrete probability distribution is allowed to take on only a limited number of values. Discrete series में ये number given है, ये frequency given है. तो अगर आपको कोई value find out करनी है, तो particular number ही आएगा. जैसे 10 ही आएगा, 12 ही आएगा, 14 ही आएगा, 15 ही आएगा. इनके बीच में वेरिएशन नहीं आएगा, एग्जैक्ट नंबर आएगा. लाइक इसके एग्जांपल है, आपसे पूछा जाएगा आप कब बॉर्न हुए, तो आप क्या बोलेंगे, हम जनवरी में बॉर्न हुए, तो दैट इज द पर्टिकुलर मंथ. इसमें कोई रेंजेस नहीं आती है, तो दैट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. बट कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दिस द वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन इज अलाउड टू टेक on any value within a given range. जो भी आपको रेंज गिवन है उसके बीच में से वैल्यू आएगी. तो इसका एग्जाम्पल है, आप लेते हैं 0 टू 10 के बीच में, 10 टू 20 के बीच में, 20 टू 30 के बीच में. इसमें रेंजेस वाली आती है कि 0 से 10 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 से 20 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है. कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होता है, वो रेंजेस में होता है आपका वैल्यू. फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली. बर्नौली ने इसको दिया था, इसलिए हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रेफर करते हैं, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है गिव द बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, देन यू विल फाइंड आउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट है इसकी अजम्पशंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस पे बेस्ड है. फर्स्ट, द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड रिपीटेडली with a fixed and finite number of trials. Number of trials is denoted by n. Binomial distribution की requirement यही है कि जो भी आप experiment कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, fixed होने चाहिए और finite होने चाहिए. Second, there are two mutually exclusive possible outcomes on each trial which are known as success and failure. Success is denoted by P, whereas failure is denoted by Q. देखिए इसमें ये बोला गया है कि आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में इसमें सिर्फ टू ही आउटकम होंगे, सक्सेस या फेलियर. सपोज कीजिए अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो उसमें जो हेड आता है, हेड इज द सक्सेस, टेल इज द फेलियर. सक्सेस को आप डिनोट किससे करेंगे, P से, और फेलियर को डिनोट करेंगे Q से. तो हमारा P प्लस Q इक्वल्स टू 1 होगा. और अगर Q फाइंड आउट करना है तो Q क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू 1 माइनस P. थर्ड अजम्पशन है, द आउटकम्स ऑफ एनी गिवन ट्रायल डज नॉट अफेक्ट द आउटकम्स ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रायल्स, मींस द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. आपने फर्स्ट बार एक्सपेरिमेंट किया, सेकेंड बार किया और थर्ड बार किया, और ऐसे कंटिन्यू आप करते हुए जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है वो हमेशा वो ही रहेगी. इसकी रिक्वायरमेंट है ये. सपोज कीजिए आपने एक कॉइन टॉस किया या डाइस रोल किया, तो उसमें उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 या 1/6. ठीक है, आप हमेशा जब भी करते हैं तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, अगर आपका कॉइन या डाइस अनबायस्ड है तो. फाइन, सेकेंड थिंग क्या बोल रहे हैं ये, कि एक इवेंट दूसरे का, फर्स्ट ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट होगा. तो यही इसकी बेसिक क्वालिटी, कि अगर वो इंडिपेंडेंट हुआ तो क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम होगी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड द फेलियर रिमेन्स कॉन्स्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल. अब ये बात हमने समझ ली है कि ट्रायल टू ट्रायल वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी. इफ इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन द पी एंड क्यू डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी
अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने ऊपर इस एग्जांपल में देखा कि हमेशा इसकी क्या होती है 1/2 और 1/6 रहेगी। ठीक है, सपोज कीजिए आप कोई ट्रायल कर रहे हैं बॉल का और वो बॉल वापस से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट रख रहे हैं, तो वो क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट ट्रायल में चेंज हो रही है, वो क्या हो गई, डिपेंडेंट इवेंट हो गई। फॉर एग्जाम्पल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मस्ट रिमेन द सेम इन ईच टॉस, सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 4 बॉल्स फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 6 रेड एंड 10 व्हाइट बॉल्स डज नॉट चेंज इन सक्सेसिव ड्रॉज विथ रिप्लेसमेंट, हेंस इट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, यही हमने समझा है। बट इन इट कॉन्ट्रेरी टू दिस, इफ बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ट्रायल देन इट विल नॉट बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इफ ऑल अबव अजम्पशंस आर सेटिस्फाइड, अगर आपकी ये सारी अजम्पशन सेटिस्फाइड होती है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस इज इन एन ट्रायल्स इज गिवन बाय, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है आपको। नेक्स्ट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय साइमन डेनिस पॉइजन, दिस इज बेस्ड ऑन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ एन इज वेरी लार्ज, इसमें क्या होती है, एन की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, एंड द वैल्यू ऑफ पी इज टू स्मॉल, इसमें पी क्या होता है, टू स्मॉल, पी मीन सक्सेस एंड एन पी इज द फाइनाइट नंबर, एन मल्टीप्लाई बाय पी क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर। इन दिस सिचुएशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सूटेबल, ऐसे सिचुएशन में जबकि आपका पी दैट मीन सक्सेस रेट नियर बाय जीरो हो तब आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है, हमारा आता है तब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सक्सेस इवेंट्स इन टोटल इवेंट्स आर वेरी फ्यू, नंबर ऑफ द डिफेक्टिव ब्लेड्स आउट ऑफ द टोटल ब्लेड्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री। आज स्केल पर हमारा प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन में हमारी क्या होती है, जो डिफेक्टिव आइटम्स होते हैं वो बहुत कम रेशियो में होता है या मिनिमम से मिनिमम होता है। नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड एट अ फुटबॉल मैच वेयर इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मे बी अ लॉट ऑफ बट सक्सेस आर वेरी फ्यू। फाइन, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स डन ड्यूरिंग एवरी 5 मिनट्स बाय अ बिजनेसमैन, नंबर ऑफ टाइपिंग एरर्स पर पेज इन द टाइप्ड मटेरियल, आपको पता है कि टाइप्ड मटेरियल पहले से ही प्रूफ होता है, अब उसमें से भी आप कोई मिस्टेक निकाले तो दैट इज वेरी रेयर, तो उसमें क्या आ जाएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ मिस्टेक्स फाउंड इन द पेज बुक पेजेस ऑफ द बुक पब्लिश्ड बाय रेप्यूट प्रेस, रेप्यूट प्रेस में मिस्टेक्स होने के चांसेस नहीं होते हैं तो भी आप उसमें से मिस्टेक ढूंढते हैं, दैट इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स मैच बाय अ टैक्सी ड्राइवर इन अ ईयर, द अराइवल ऑफ कस्टमर्स अराइविंग पर आवर एट द सुपरमार्केट, द अराइवल ऑफ ट्रेन्स अराइविंग पर 10 मिनट इन रेलवे यार्ड, नंबर ऑफ फ्लाइंग बॉम्ब्स dropped per year in a small area. So these are the situations or the conditions where we apply the poisson distribution. This is the formula. इसमें हम देखेंगे कि E क्या है, M क्या है, R is the 0, 1, 2, 3 probability of R time success. E इट इज अ मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट, ये क्या है, एक मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट है, वैल्यू है विच इज डिराइव फ्रॉम नेचुरल लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इट्स वैल्यू इज 2.71828। एम इज द अर्थमेटिक मीन, इफ एम इज नॉट गिवन इट विल बी कंप्यूटेड बाय द फॉर्मूला ऑफ एम
इक्वल्स टू एन पी, एम इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय पी से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय कोलपैट्रिक गॉस, इट इज रेफर्ड बाय गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हमारी वैल्यूज रेंज में वरी करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज सम प्रॉपर्टीज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण कि आप इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लेट्स सी व्हाट मेक इट एप्लीकेबल टू अ ग्रेट मेनी सिचुएशन इन विच इट इज नेसेसरी टू मेक इन्फ्रेंसेस बाय टेकिंग सैंपल्स। अब इसकी बहुत कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण कि ये बहुत सिचुएशंस में एप्लीकेबल होता है। ये इस टाइप से होता है, अपना बेल शेप्ड होता है। दिस इज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसे बेल शेप्ड होता है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कम क्लोज टू फिटिंग द एक्चुअल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनी फिनोमेना इंक्लूडिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, वेट एंड हाइट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वेट, हाइट और इस टाइप के जो नॉर्मल फिनोमिना है इन डिस्ट्रीब्यूशन में बेस्ट फिट होता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द कर्व हैज सिंगल पीक। इस कर्व में सिंगल पीक होता है। इट इज यूनिमॉडल। यूनिमॉडल का मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही मोड होता है, सिंगल मोड। बेल शेप है। द मीन ऑफ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन लाइज एट द सेंटर ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व। क्या है आपका मीन है जो कि इसके सेंटर में होता है। बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए इधर और इधर दोनों साइड सेम होता है। ये द मीडियन एंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो सेंटर। तो यहीं पर आपका मीन भी होता है और मोड भी होता है। नॉर्मल कर्व द मीन मीडियन मोड आर द सेम वैल्यू। जब वो एक ही जगह होंगे तो इसमें क्या होगी, उनकी सेम वैल्यू होगी। द टू टेल ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड डेफिनेटली एंड नेवर टचेस द हॉरिजेंटल एक्सिस। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो कर्व है, ये अगर आप इंफिनिटी तक भी आप बढ़ाते हैं आगे दोनों साइड, तो ये कभी भी, ये जो हॉरिजेंटल है इसको कभी भी टच नहीं करता है, कभी टच नहीं करता है, ये ऊपर इसके रहता है। एरियाज अंडर नॉर्मल कर्व नो मैटर फॉर द वैल्यू ऑफ म्यू। म्यू मीन्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर फॉर अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज वन। जो पूरा एरिया कवर होता है वो हमारा क्या होता है, वन होता है। ये जो एरिया कवर है वो पूरा वन है। यू मे थिंक ऑफ एरियाज अंडर द कर्व एज प्रोबेबिलिटीज, मैथमेटिकली इट इज ट्रू दैट। अब आप इसमें देखेंगे जो जैसे जैसे जो एरिया कवर हो रहा है उसमें क्या है, अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ ऑल द वैल्यूज इन अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन वो कहां लाई करता है, प्लस वन और माइनस वन के बीच में वो वरी करता है जब हमारी 68% हो। यहाँ होता है हमारा मीन, यहाँ होती है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। 68% पे हमारा क्या होता है, माइनस वन और प्लस वन के बीच में इन दोनों के पे वरी करता है। और 95.5% पे जो भी वैल्यूज होगी वो प्लस टू पे वरी करेगी। तो यहाँ पे होगी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू टू। नेक्स्ट हो गया ये देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई आपकी। अप्रोक्सीमेटली 99.7% पे ये वरी करता है थ्री पे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू थ्री। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टैंडर्डाइज बाय जेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपने किसमें चेंज कर दिया, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसका फॉर्मूला होता है हमारा जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स इज द वैल्यू ऑफ द रेंडम वेरिएबल, म्यू
इक्वल्स टू मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा क्या है, मीन है, इसको एक्स बार भी बोलते हैं। दिस इज अवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम एक्स टू मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन जेड, ये जेड है। तो आई होप आज का जो ये थ्योरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक यू कैन कमेंट मी, देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।